everyone and welcome to our channel Desi Couple on the Go. आज मैं हूँ अपने घर के एटिक पे और ये जो जगह है ये जगह खाली है यहाँ पर और जैसे आप लोगों को पता है कि अभी सब लोगों को घर से ही काम करना है और पता नहीं कब तक करना होगा तो मैंने सोचा ये जो स्पेस है मेरा इसको क्यों ना एक ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये करने के लिए मैं और सौरभ जा रहे हैं आईकिया और वहाँ से लेने वाले हैं टेबल और चेयर ऑलरेडी है मेरे पास तो टेबल लेंगे और इसको एक अच्छा सा ऑफिस स्पेस क्रिएट कर देंगे तो लेट्स गो। हाँ एक और चीज़, हम लोग अगर हो सका और टाइम हुआ तो फिर जो हमको हमारा गार्डन अम्ब्रेला लेना था जो कि एक लास्ट वीडियो में हम ट्राई कर चुके, आपने देखा होगा कि हम वहाँ तक गए थे बट हम लोगों को इतना लॉन्ग क्यू मिला कि हम लोगों ने सोचा आज नहीं लेते। तो अगर हमारा आईकिया का काम हो जाता है और ये सब हो जाता है तो फिर हम लोग जाएंगे टाउन सेंटर मतलब गार्डन शॉप और वहाँ से लेंगे अपने लिए एक गार्डन अम्ब्रेला भी। तो दो चीज़ें टारगेट है, लेट्स सी हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो। तो अभी आपको जो सामने दिख रहा है वो है स्टेडियम और ये स्टेडियम एक्चुअली फुटबॉल फैंस को पता होगा, वैसे ये स्टेडियम है अयाक्स स्टेडियम एम्स्टरडैम की, यानी जो टीम है उसके लिए ये स्टेडियम, नेदरलैंड का बहुत ही फेमस है ये और उसी के पास में है आईकिया और इधर साइड में है टेस्ला का शोरूम। बहुत मन है कभी टेस्ला की गाड़ी चलाए, अभी तो नहीं चला सकते बट शायद कभी हम टेस्ला की गाड़ी चलाए तो वहाँ है टेस्ला का शोरूम। तो ये आ गया है आईकिया या आईकिया जैसा भी आप बोलना चाहें और अब हम जा रहे हैं पार्किंग के अंदर। पार्किंग फ्री है तो कोई टेंशन नहीं, आप कितना भी यहाँ पर घूम सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपना फर्नीचर खरीद सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि गैराज पार्किंग है क्योंकि आज है नेदरलैंड्स में बहुत ज़्यादा गर्मी तो गैराज पार्किंग में कार थोड़ी ठंडी रहेगी। अगर बाहर पार्क करना होता है तो फिर तो आप अगर कार में बैठे तो बेक ही हो जाते हैं। तो आ गए हम गैराज पार्किंग में और अब करते हैं अपनी कार को पार्क। तो आ गए हम लोग आईकिया के स्टोर बट हम लोगों ने एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था तो उनकी वेबसाइट पे गए थे और फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो हमारा सामान जो है वो पिकअप पे है बट हम अब इधर तक आ गए तो सोच रहे हैं क्यों नहीं पूरा स्टोर भी एक बार देख लें, शायद कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए। तो इन लोगों को बोल देते हैं कि हम पहले स्टोर घूम रहे हैं और आके फिर हम हमारा सामान पिकअप करेंगे। तो आ गए इधर बट अभी यहाँ कोई है ही नहीं तो वेट करते हैं। एक लेडी थी वो लेकिन चली गई तो आएगी तो उसको बताते हैं और फिर घूमेंगे पूरा स्टोर। तो आ गए हम स्टोर घूमने के लिए और ये एक है फर्स्ट वाला ही, इतने अच्छे से सेटअप करा रहता है यहाँ पे कि लगता है कि पूरा सामान यहाँ से उठा के लेके चला जाए। और देखते हैं, हमारा मेन एम है ऑफिस सेटअप करना ना कि बेडरूम को सेटअप करना क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी सेटअप है। तो ढूंढते हैं ऑफिस वाला एरिया जहाँ पे सारी ऑफिस की चीज़ें होंगी। ये तो बेडरूम का एरिया है, ये है पूरे ऑफिस के सप्लाईज का एरिया। तो टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी जो फाइनल किए वो दिखा दिया आपको। ऐसी कुछ टेबल है बट वाइट में है, वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है बट हाँ वो फाइनल कर लिया। और चेयर जो है वो मेरे ऑलरेडी ऑफिस से आई है जैसे मैंने आपको बताया है और आपको एक दिखाती हूँ पूरा। तो ये जो एक टेबल है ये है 399 यूरोस की और इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें स्विच है तो ये है ना यहाँ से ऐसे स्विच पे दबाओ ये ऊपर हो जाता है। तो जो मेरी वाली है वो भी एडजस्टेबल है बट मैकेनिकल है और बट वो है 399 यूरोस की नहीं, वो है 169 यूरोस की, तो ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है, इनफैक्ट हाफ से कम। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, मुझे लगा कि स्विच का क्या ज़रूरत है। सो वो वाली टेबल अगर यहाँ तो नहीं दिख रही है तो जब घर में मैं उसको सेटअप करूँगी ना मैं तब आपको दिखाऊंगी। आ गए हम लोग किचन एरिया में और ये पूरा किचन जो है ब्लैक में सेटअप है और ये है ये चिमनी, ये तो कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप की है, इट्स अ चिमनी।
और ये इसका गैस स्टोव है, फुल ब्लैक सेटअप। हमारे पास भी यही सॉल्ट एंड पेपर का है घर पे, शायद यहीं से लिया हो कभी। आपको कैसा किचन सेटअप अच्छा लगता है, ब्लैक कि वाइट, या फिर थोड़े लाइट, मतलब थोड़े लाइट कलर्स या थोड़े डार्क कलर्स? क्योंकि हमारा तो प्योर वाइट है और ये है प्योर ब्लैक, बट आप बताइए आपको कैसा अच्छा लगता है। और ये है थोड़ा वाइट और वुडन वाला सेटअप, ये वुडन है और इधर वाइट है। हमारा तो ये प्लेटफॉर्म भी पूरा वाइट है, बट ये भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये है इंडक्शन का सेटअप, जिसमें गैस का कोई यूज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो आपकी एनर्जी बहुत सेव होती है। बट काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि इससे इंडियन खाना बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोटी कैसे सेकेंगे, आपको रोटी फुलाना चाहिए ना, वो इससे बहुत मुश्किल हो जाता है। बट काफ़ी लोग मैनेज कर लेते हैं, जैसे मैं जब इटली में रहती थी ना तब मेरे पास यही था और मैं मैनेज कर लेती थी। तो एक्चुअली हम इकी आए थे सिर्फ हमारा ऑनलाइन जो ऑर्डर किया था हमारे ऑफिस को सेटअप करने के लिए वो पिकअप करने, बट ऐसा होता कहाँ है। अभी हमको ये प्लेट्स दिख गई हैं और जब पार्टी वार्टी करते हैं ना तब वो प्लास्टिक का प्लेट्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये प्लेट्स काफ़ी सही है, 50 सेंट्स की है, मतलब 40 रुपये की एक प्लेट है ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रही हूँ 6 ये प्लेट्स ले लें, तो ताकि जब पार्टी वार्टी करें ना तो ये सारी प्लेट्स 6 छोटी और 6 बड़ी काफ़ी काम आएगी। तो लेती हूँ मैं ये वाली प्लेट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छी दिख रही है तो अच्छी ही लग रही है, तो ये वाली प्लेट्स ले लें। तो हो गई ये 6 प्लेट्स, अब लेती हूँ छोटी 6 प्लेट्स, पहले ये रखती हूँ। अब ये वाले जो है ना, जो कि निकल ही नहीं रही, नहीं ये वाला नहीं, पूरा का पूरा ही निकाल लेती हूँ। हाँ तो ये जो है ये थोड़ा बाउल्स टाइप का है, तो ये छोटा प्लेट का भी काम करेगा और बाउल्स का भी काम करेगा। और ये भी हो गए हैं, ओ 7 है, एक वापस रखो, तो ये भी हो गए हैं 6। और मुझे वाइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे मेरा फेवरेट कलर वाइट नहीं ऑरेंज है। तो ये प्लेट्स मैंने ऐसे ही रख दी थी, बट ये टूट सकती हैं, तो उसके पास ही रखा है ये कार्डबोर्ड बॉक्स जिसे सौरभ ने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसके अंदर डाल लेते हैं। पहले बड़ी प्लेट्स रखूँ, ये गई बड़ी प्लेट्स, ये गई छोटी प्लेट्स। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरे 6 ही है ना, और अच्छे से कुछ टूटी हुई तो नहीं है। तो ले रहे हैं हम लोग ये प्लास्टिक के बैग्स, बहुत काम आते हैं ये कुछ पैक करने में, या किसी को कुछ देने के लिए, या खाना सामान कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ले जाने के लिए। तो एक छोटा साइज़ ले रहे हैं और एक बड़ा साइज़ ले रहे हैं, और ले रहे हैं ये वाला जो बेडशीट है, मुझे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं और ये कॉटन का है तो ये सही है, तो फिर ये वाला बेडशीट ले रहे हैं डबल बेड के लिए, और इसका प्राइस है 23 यूरोस। तो अभी मैं लेने वाला हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फोल्डर, ये इस टाइप के फोल्डर है, इसमें आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और लिख सकते हैं कि किस ईयर के डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या टाइप के डॉक्यूमेंट है। इसका ये स्टोरेज है, और ये 2 का सेट आ रहा है 5 यूरो का, सो अराउंड 400 रुपीज़ मैंने ये ले लिए हैं। तो ले लिया है हम लोगों ने हमारा सारा सामान, और आ गए हम स्टोरेज एरिया में। तो जो हमें चाहिए था वो सब वहीं अवेलेबल था, बट जो बिगर पीसेज होते हैं, जैसे आपको बेड लेना हो या टेबल लेना हो, वो यहाँ पे इतने बड़े जो जगह है वहाँ पे स्टोर होता है, और आपको फिर यहाँ से आके पेमेंट करना होता है और फिर लेना होता है। बट हमारा सारा इसी ट्रॉली के अंदर आ गया है, और जो ऑनलाइन टेबल ऑर्डर किया था वो तो सिर्फ पिकअप करना है। तो अभी चलते हैं, इसे पे करते हैं, और फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर का जो पिकअप है वो उसे पिकअप करते हैं। सौरभ के लिए बचा के रखते हैं। हाँ तो लिफ्ट में आ गए और बिल भी बना लिया है। टोटल बिल कितने का आया सौरभ? 66 यूरो का। 66 यूरो का बिल आया है, विच इज अराउंड 5000 रुपीज़।
और अब जा रहे हैं नीचे, तो हमने बिल पे कर दिया है, लिफ्ट से आ गए हैं वापस नीचे। बिल आया था हमारा अराउंड 6000 रुपये का, और अब जा रहे हैं और पिकअप करने अपना टेबल। मैंने अपनी टेबल के साथ ऑर्डर किया था एक वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड यहाँ नीचे मिल गया, पर शायद क्योंकि टेबल थोड़ा बड़ा होता है तो वापस जाना पड़ेगा वेयर हाउस और वहाँ से अपना वाइट अप पिक करना पड़ेगा। बट मेरा वाइट बोर्ड आ गया जो कि मुझे चाहिए था बहुत दिनों से, तो ये मेरा वाइट बोर्ड आ गया एंड आई एम सुपर हैप्पी। अब टेबल पिकअप करने के लिए वापस ऊपर जा रहे हैं अब पार्किंग की तरफ, और ये वाले वेयर हाउस में नहीं है तो जो टेस्ला शोरूम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना वीडियो में, वहाँ जाना है, वहाँ पे एक और वेयर हाउस है और वहाँ से मिलेगा हमारा टेबल। ठीक है, मिल तो रहा है, तो अभी जाते हैं हम लोग एक और वेयर हाउस ही किया। थोड़ा स्ट्रेंज है कि यहाँ नहीं मिला, वहाँ जाना पड़ रहा है, बट कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि टेबल तो आज ही पिकअप करनी है। वैसे ऑप्शन था कि हम घर पे आके उन्हें डिलीवर कर सकते हैं, वो लोग घर पे आके हमारे डिलीवर कर सकते हैं वो आइटम, बट उसके वो लोग 50 यूरोज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, और इतनी सी टेबल के लिए 50 यूरोज एक्स्ट्रा क्यों दें, जबकि पूरा पॉसिबल है कि अगर बहुत सारे आइटम्स हों तो फिर वर्थ भी होता है, बट अभी हमारे लिए पॉसिबल है कि हम जाके लेके आ सकते हैं, तो फिर लेके ही आ जाते हैं ना, कार में फिट हो जाएगी टेबल तोड़ने के लिए। तो अभी सामान करते हैं गाड़ी में लोड, टेबल भी आने वाली है तो वो आगे रख देंगे। एक चीज़ हमको नहीं मिली वो है हमारा रथ, मगर ठीक है, अब रथ कहीं और से लेंगे, अभी जो मिल गया है उसी को सेट करेंगे। दैट विल बी अ गुड स्टार्ट टू सेट अवर ऑफिस। आ गए हम IKEA के सेकंड वेयर हाउस, और वहाँ पे हमारा नंबर आएगा। Are they serious? देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे ऐसा बड़ा सा वाइट डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और उस डिजिटल बोर्ड पे आ रहे हैं नंबर्स, तो उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तब जाके हमें मिलेगा। तो मैं तो कार में बैठी हूँ और मैं लेके आता हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है। वैसे वहाँ एक लेडी खड़ी है, आई गेस वो ही करेगी हमारे ऑनलाइन डिलीवरी का डिलीवरी हमें अब यहाँ पे। उसे बिल दिखाता है और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर आके हम लोग को मिल गया हमारा टेबल, ये है टेबल का टॉप और ये है उसके लेग्स। अब इसको रखते हैं गाड़ी के अंदर, अब डन हमारा आज का काम, डन फ्रॉम IKEA। And I am super happy कि मेरी टेबल आ गई है। And it's not very heavy actually, it's quite light. Oh, that is nice. और hopefully वो कार के अंदर आ भी जाएगी। Yeah, I guess it's coming. ये actually heavy है, उसके legs. Oh, super heavy है. Oh. तो हमारी IKEA की शॉपिंग हो गई है। यस, ऑलरेडी अराउंड 2:00 हो गए हैं, हम लोग सुबह निकले थे। यस, और नेक्स्ट प्लान था हमारा जाने का टाउन सेंटर, जहाँ से चाहिए था हमें गार्डन अम्ब्रेला, बट अब थक गए, भूख भी लग रही है, लंच टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट, हाँ बल्कि क्रॉस हो गया है, तो अभी हम लोग घर जाते हैं वापस। और फिर से हमारा गार्डन अम्ब्रेला खरीदने का जो प्लान है वो ड्रॉप हो गया। आई डोंट नो कौन से मुहूर्त में हम लोग जा रहे हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, बट कल पक्का। Yes. तो कल हम जाएंगे और गार्डन अम्ब्रेला लेंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब तो मस्ट हो गया है कि हर बार जाते हैं और उसका वीडियो नहीं आ पाता और हम गार्डन अम्ब्रेला ही नहीं खरीद पाते,
तो कल पक्का गार्डन अम्ब्रेला खरीदेंगे हम लोग और उसका वीडियो बनाएंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा ऑफिस का सेटअप करेंगे उसका या तो मैं पिक्चर इंस्टाग्राम पर डालूंगी, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा, और अगर हुआ तो मैं उसका वीडियो भी बना लूंगी, बट इंस्टाग्राम पर उसका पिक्चर जरूर आएगा। तो आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो वो फॉलो करिए, उसका हैंडल का नाम है देसी कपल ऑन द गो, और जो फेसबुक के हैंडल का नाम है वो है शेड्स ऑफ मैक्स, जो कि हम लोगों का पुराना चैनल का नाम है, और ये चैनल है देसी कपल ऑन द गो, एंड उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट फन वीडियो, या तो ट्रैवल व्लॉग या फन वीडियो, नहीं 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 नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अम्ब्रेला वीडियो। सो सी यू इन दैट वीडियो, टिल देन बाय बाय।